हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कार्तिक आर्यन की आने वाले फिल्म सत्य प्रेम की कथा की एक इंटरेस्टिंग अपडेट देने वाला हूं। लेकिन उसके पहले जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य प्रेम की कथा के टीजर और गाना देखकर आप लोग तो ये समझ ही गए होंगे ये एक रोमांटिक फिल्म है, और रोमांटिक फिल्म के लिए गाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गाना ही तो फिल्म है। तो इसी सत्य प्रेम की कथा की एक गाने के लिए 7 करोड़ रुपया खर्चा किया गया, मतलब इसकी शूटिंग करने के लिए 7 करोड़ रुपया खर्चा किया गया जी, एक सिर्फ एक गाने के लिए। और ये मैरिज मतलब शादी पे आधारित है। ये जो कैरेक्टर है, मतलब जो कैरेक्टर कार्तिक आर्यन कर रहा है, इस कैरेक्टर के इंट्रोडक्टरी सॉन्ग होने वाला है ये। और ये जो कैरेक्टर है, मतलब कार्तिक आर्यन जो कैरेक्टर कर रहे हैं, ये कैरेक्टर शादी करना चाहता है और ये सपना देखता है। तो सपने में ये शादी का जो सिचुएशन है ये आता है। इस सॉन्ग में 4 शादी दिखाया गया है, साउथ इंडियन, गुजराती, मुस्लिम और क्रिश्चियन। साउथ इंडियन और क्रिश्चियन शादी के लिए मार्ड आइलैंड में एक सेट बनाया गया था, और दूसरा जो है गुजराती और मुस्लिम शादी के लिए वरुण देवन स्टूडियो मालाड में एक सेट बनाया गया था। मतलब सोचिए, 4 शादी के लिए 2-2 सेट बनाया गया था, इतनी खर्चा किया गया इसमें। इस फिल्म का जो प्रोडक्शन डिजाइनर है, मतलब ये जो सेट डिजाइन किया गया है, ये रजत पोद्दार ने किया है। और इस फिल्म का डायरेक्टर है नेशनल अवार्ड विनर संजीव विद्वान। तो इस फिल्म के लिए काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन है, और कार्तिक आर्यन इसके लिए काफ़ी जीत और मेहनत कर रहे हैं। 7 दिन पहले ये फिल्म का शूटिंग कम्प्लीट हुआ है। तो इस जो गाना है, ये गाना में किया आदमी नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसमें इंट्रोडक्टरी सॉन्ग सिर्फ कार्तिक आर्यन था। कार्तिक आर्यन की जो कैरेक्टर है वो शादी करना चाहता है, तो ये 4 मतलब अलग अलग शादियाँ उसकी ख्वाबों में आता है, यही उसका इंट्रोडक्टरी सॉन्ग है उसके कैरेक्टर का। ये जो 4 शादी है, इसके लिए अलग अलग सेट बनाया गया। क्रिश्चियन शादी के लिए भाई बाब सेंटिना ग्रीस की जैसे सेट बनाया गया, गुजराती शादी के लिए एक गुजराती मोहल्ला बनाया गया, और साउथ इंडियन शादी के लिए एक साउथ इंडियन टेम्पल बनाया गया, एक मंदिर बनाया गया, और जो मुस्लिम शादी है उसके लिए एक बैंक्वेट हॉल बनाया गया। मतलब सोचिए, 4 शादी के लिए 2 अलग अलग सेट और 4 अलग अलग सेट, अलग अलग जैसे बिल्कुल अलग अलग, मतलब एक गुजराती मोहल्ला, एक ग्रीस की जैसे, और एक बैंक्वेट हॉल और एक मंदिर। तो आप लोग ये समझ ही सकते होंगे एक सॉन्ग के लिए कितना खर्चा किया गया। इस सॉन्ग का कोरियोग्राफर है बॉस्को मार्टिस, और ये सॉन्ग बहुत जल्दी ही रिलीज होने वाला है। तो आप लोग प्रेडिक्ट कीजिए कि ये सॉन्ग हिट होगा कि नहीं, ये बात आप मुझे कॉमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।